नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बांगरमऊ उन्नाव कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ मार्ग पर ग्राम सलारी खेड़ा मोड़ के निकट तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की तहरीर मृतक के पिता ने कोतवाली में दी है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अतरधनी निवासी करुणा शंकर 30 वर्ष पुत्र राम किशोर फर्नीचर का काम करता था। गत सोमवार को करुणा शंकर अपनी बाइक की रिपेयरिंग करवाने के लिए घर से निकला था। देर रात तक करुणा शंकर घर नहीं लौटा। आज सुबह गांव से थोड़ी दूर स्थित सलारी खेड़ा मोड़ के निकट करुणा शंकर का शव सड़क के किनारे खंती में मिला, जबकि उसकी बाइक सड़क किनारे खड़ी मिली। अंदाजा लगाया जा रहा है कि तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने करुणा शंकर की बाइक में टक्कर मार दी होगी, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शनाखत करुणा शंकर के रूप में की है। परिजनों को सूचना देने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। करुणा शंकर ने अपने पीछे पत्नी ज्योति, 3 वर्षीय पुत्र मयंक व मां गुड्डी सहित पूरे परिवार को रोता बिलखते छोड़ दिया। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।